Good morning, students. Today we are going to learn about conversion of binary number into a decimal number. Binary number को decimal number में कैसे change करते हैं? Okay. अब last class में हमने पढ़ा था conversion of decimal number into binary. अब binary को decimal में करेंगे. Okay. Decimal को binary में हमने क्या किया था? 2 से divide किया था क्योंकि binary में change करना था. Binary का base 2 होता है, इसलिए 2 से divide करके हम remainder को side में लिखते जाते और वही उसका नंबर सिस्टम बन जाता है. अब हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे. बाइनरी यानी जिसके जिसका बेस 2 होता है, जैसे हमारे पास है 1010 बेस 2, अब उसको हम चेंज करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में. ओके, मल्टीपल ईच बाइनरी नंबर विद 2 हैविंग द पावर ऑफ 0 फॉर यूनिटरी पोजिशन. अब जैसे फर्स्ट पोजिशन होती है उसको 0 से इंडिकेट करते हैं, सेकंड वाली 1, 2. देन अब देखिए यहाँ पे, इसमें जो फर्स्ट वाला 0 राइट साइड वाला, उसकी पोजीशन है 0, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई 2 to the power 0 बाय द नंबर. फर्स्ट नंबर इज 0, सो 0 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 0 एंड रिजल्ट विल बी 0. सेकंड डिजिट इज 1 एंड इट्स पोजीशन इज 1, सो वी मल्टीप्लाई 1 बाई 2 to the power 1. ओके, सो रिजल्ट इज 2. नेक्स्ट इज 0 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 2, बिकॉज पोजिशन ऑफ 0 इज सेकेंड, दैट्स वाई वी यूज एज 2 एज द पावर, सो रिजल्ट विल बी 0. एंड लास्ट वन इज 1 एंड पोजिशन इज 3, सो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई 1 बाई 2 to the power 3. Okay, result is 8, and then we add all these digits and we got 10. Okay, so 10 is the answer. 10 is the decimal conversion of 1010. Yani jo binary number hai 1010, uska decimal conversion kya hai? 10. Okay, yahan pe isko aur ek example aur diya gaya hai. Dekho, first ki position hai 0, that's why 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 to the power 0 से. ओके, यहाँ पर इस 1 को, जो ये 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 to the power 0, मीन्स इसकी पोजीशन 0 है. ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो 0 1 2 3. ओके, आपको ये डिजिट लेनी है और मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर से, क्योंकि इसका बेस 2 है. बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है, हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर ले, इसलिए हम मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे, बट पावर रहेगी इसकी पोजीशन, इसकी जो पोजीशन है वही इसकी पावर रहेगी. ओके, सो हियर इज आंसर. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी बैक. ओके, नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स. ऑक्टल नाम से मालूम चलता है, ऑक्टल 8 डिजिट है. 8 डिजिट 0 से 7, ये 8 हो गई है विथ बेस 8. द प्रोसीड ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जेशन इज सिमिलर टू द बाइनरी डेसिमल कन्वर्जेशन. द डिफरेंस इज द चेंज ऑफ बेस. अब इसमें बताया गया कन्वर्जेशन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल के सेम ही है बाइनरी टू ऑक्टल का, क्योंकि इसमें बेस 8 है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे और रिवर्स कन्वर्जेशन के लिए हम मल्टीप्लाई भी 8 से करेंगे. यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को, जैसे तो यहाँ से 8 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, बस जो जिसका बेस होता है उससे ही डिवाइड करना है और उससे ही मल्टीप्लाई करना है. गॉट इट? और सेम एज इन द हेक्साडेसिमल, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 सिंबल्स एंड देयरफॉर इट हैज बेस 16. इट यूजेस 0 to 9 एंड लेटर ए बी सी डी ई एफ. यानी 0 से 9 तक तो ये डिजिट यूज करता है, 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ ये रिप्रेजेंट करता है. ये टोटल 16 डिजिट हो जाती है. ओके, और डिवीजन भी सेम है जैसा मैंने आपको पहले बताया था. अगर हेक्साडेसिमल को यूज़ कर रहे हो नंबर सिस्टम कन्वर्जेशन के लिए, तो जैसा बाइनरी में किया था वैसा इसमें करना है. इसमें 16 से डिवाइड करेंगे, सेम स्टेप्स करेंगे और इसी तरह यूज़ करेंगे जैसा ऑक्टल के अंदर देख रहे हैं हम. ऑक्टल को अगर किसी भी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आता है उसको राइट साइड में लिखेंगे जैसा बाइनरी में किया था. और उसको कन्वर्ट बैक टू द डेसिमल, अगर डेसिमल में फिर से कन्वर्ट करना है
तो जो ऑक्टल नंबर है उसको भी सेम, अभी जो हमने देखा था कि बेस उसका 2 था, इसका 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो पोजिशन है वही इसकी पावर बन जाएगी। गॉट इट? यहाँ देखिए जस्ट सेम एग्जांपल, बाइनरी में हम इस 8 की जगह हमने 2 यूज़ किया था और ऑक्टल में 8 यूज़ कर रहे हैं, बाकी सेम एज इट इज़ है। ओके, और सेम विद द हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में सेम है, 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर राइट साइड में लिखेंगे, और इफ यू कन्वर्टिंग बैक आप इसको हम चेंज कर रहे हैं तो 16 से ही मल्टीप्लाई होगा, बट उसकी पोजिशन देखो 0 है, 3 की पोजिशन 0 है, दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो ये कन्वर्जेशन तो हो गया तुम्हारा फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशंस। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कॉल मी बैक, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स। बाय।